मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नए मोटर व्हीकल एक्ट केंद्र सरकार ने पारित कर दिया है और अब ट्रक ड्राइवर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून के मुताबिक हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस कानून के विरोध में महाराष्ट्र समेत भारत के सभी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। आज से 3 दिवसीय हड़ताल है, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं और चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के बेलापुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की गई ट्रक ड्राइवरों द्वारा। NRI पुलिस ने सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों को यहां हिरासत में लिया है। इसके अलावा पनवेल सायन हाईवे को कुछ ट्रक ड्राइवरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और भारी ट्रैफिक जाम यहां भी हो गया था। इसलिए देखा जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नए कानून का विरोध करने में काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए इस कानून के तहत अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है और इसीलिए ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।